हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स से आज हम सभी ट्रांसलेशन बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फ्रेंड्स से आज का जो ट्रांसलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। आज का जो पहला ट्रांसलेशन है, राम खा चुका है। तो फ्रेंड्स पहचानने का नियम क्या है, अंत में क्या है, चुका है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, या है, ये है, ई है, रहे, तो पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका जो ट्रांसलेशन बनता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब थ्री लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा राम। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ क्या का प्रयोग होगा, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। और खाना का क्या होता है, खाना का होता है ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन। राम हैज ईटन, राम खा चुका है। उसके बाद दो नंबर में लिखेंगे, वे लोग जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स जा चुके हैं, इससे क्या पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो फ्रेंड्स इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है वे लोग। वे लोग का क्या होता है, वे लोग का दे होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दे। दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव। यहाँ पर जाना वर्ब है, यानी गो वेंट गोन। तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव गोन। दे हैव गोन, वे लोग जा चुके हैं। उसके बाद तीन नंबर लिखेंगे, तुम खेल चुके हो। तो फ्रेंड्स सेंटेंस के अंत में क्या है, चुके हो। इससे क्या पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है तुम, तुम का हो जाएगा यू। यू के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हैव, यू हैव। वर्ब क्या है, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले। प्ले का वर्ब थ्री क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेड, यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। उसके बाद लिखेंगे शिक्षक आए हैं। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, आए हैं, इससे पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर। द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर हैज आना। आना का क्या होता है, कम। कम का वर्ब थ्री क्या होता है, कम, केम, कम। तो वर्ब थ्री होता है कम, कम। द टीचर हैज कम, शिक्षक आए हैं। उसके बाद पाँच नंबर में लिखेंगे, मैंने तुम्हें देखा है। तो फ्रेंड्स क्रिया के अंत में क्या है, देखा है। इससे क्या पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने का क्या होता है, मैंने का होता है आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव, आई हैव।
यहाँ पर वर्ब क्या है, देखना, देखना क्या होता है, सी, सी का वर्ब थ्री क्या होता है, सीन होता है, तो यहाँ होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव सीन, और तुम्हें का हो जाएगा यू, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है। उसके बाद लिखेंगे हमने उसे पीटा है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के अंत में क्या है, पीटा है। पीटा है से क्या पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमने, हमने का होता है वी, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, वी के साथ हैव लगता है या हैज लगता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, इसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी हैव। वर्ब क्या है, पीटना, पीटना क्या होता है, बीट, बीट का वर्ब थ्री क्या होता है, बीटन, तो यहाँ हो जाएगा वी हैव बीटन। उसे का क्या हो जाएगा, उसे का हो जाएगा हिम, वी हैव बीटन हिम, हमने उसे पीटा है। उसके बाद लिखेंगे उसने तुम्हारी मदद की है। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, मदद की है। इसे पता चलता है कि जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है उसने, उसने का क्या होता है, उसने का होता है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा ही के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज। मदद करना का होता है हेल्प, हेल्प का वर्ब थ्री हेल्प टू होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज हेल्प्ड, ही हैज हेल्प्ड, तुम्हारी का हो जाएगा यू, ही हैज हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की है। उसके बाद लिखेंगे मोहन ने मेरी कलम तोड़ दी है। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, तोड़ दी है। इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मोहन, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन, मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मोहन हैज। वर्ब क्या है, वर्ब है तोड़ना, तोड़ना का क्या होता है, ब्रोक, ब्रोक का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, ब्रोकन, तो यहाँ हो जाएगा मोहन हैज ब्रोकन। मेरी का हो जाएगा माई, और कलम का हो जाएगा पेन। उसके बाद 9 नंबर में लिखेंगे हम लोगों ने यह पेड़ काटा है। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, काटा है। इसे पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का होता है वी, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, वी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी हैव। काटना का क्या होता है, कट होता है, कट का तीनों फॉर्म कट 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 ही होता है, तो वी हैव कट यह पेड़ के क्या हो जाएगा, दिस ट्री, वी हैव कट दिस ट्री। उसके बाद लिखेंगे उसने एक गाना गाया है। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, गाया है। इसे पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है उसने, उसने का क्या हो जाएगा, उसने का हो जाएगा ही, यहाँ पर हो जाएगा ही क्या है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज। वर्ब क्या है, गाना, गाना का क्या होता है, सिंग होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंग का वर्ब थ्री क्या होता है, संग होता है, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज संग। एक गाना क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग।
उसके बाद लिखेंगे वे लोग मैच जीत चुके हैं। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, जीत चुके हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग का होता है दे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ हैव लगता है, तो यहाँ हो जाएगा दे हैव। जीतना का होता है विन, विन का वर्ब थ्री वॉन होता है, तो हो जाएगा दे हैव वॉन। मैच का हो जाएगा द मैच। दे हैव ऑन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके हैं। उसके बाद लिखेंगे तुमने यह काम किया है। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, काम किया है। इसे पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले हम लोग तुमने का लिखेंगे यू, यू सब यू सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा यू हैव। यहाँ पर वर्ब क्या है, डू, डू का वर्ब थ्री किया होता है, डू डिड डन, तो यू हैव डन। यह काम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्क। यू हैव डन दिस वर्क, तुमने यह काम किया है। उसके बाद 13 नंबर लिखेंगे मोहन ने एक पत्र लिखा है। तो फ्रेंड्स अंत में क्या है, लिखा है। इसे पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन हैज। वर्ब क्या है, लिखना, लिखना क्या होता है, राइट, राइट का वर्ब थ्री क्या होता है, राइट रोट रिटर्न, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन हैज रिटर्न। मोहन हैज रिटर्न एक पत्र, एक पत्र का क्या हो जाएगा, एक पत्र का हो जाएगा अ लेटर। मोहन हैज रिटन अ लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।